यहाँ से साउंड लगाऊंगा तो देखते हैं ये क्या करती है अभी। पहले मैं इसकी आवाज़ ऊंची कर लेता हूँ। स्टोर हो गई, ये मुँह बंद करके खड़ी है, अभी मुँह खोलेगी तो पानी गिरेगा ये इन। तो अब इसकी दोस्ती हो गई मेरे साथ काफ़ी, इसमें दूध से देता हूँ, ये चेक करो। ये अब कह रहा है कि उठ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल प्यार, वेलकम बैक हो गया एक और व्लॉग के अंदर। तो भाई जो कल जो व्लॉग मैंने डाला था, जो मैं स्पीडी को बाहर ले गया, तो उस पर क्या ही अच्छा रिस्पांस मिला है भाई, दिल खुश हो गया। तो भाई अगर इसी तरह का रिस्पांस मिला तो हम फिर एक बार स्पीडी को लेके जाएंगे बाहर और फिर एक और वीडियो बनाएंगे इसी तरह की। खैर अभी जो आज की वीडियो है इसमें मेन मकसद ये है कि मैंने ले लिया है iPhone 11। अब iPhone 11 ऐसे अचानक नहीं ले लिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, स्टोरी है, तो वो मैं बताता हूँ। उससे पहले एक और काम करना है जो कि मैं सोच रहा था, और वो यही कर रहे हैं कि स्पीडी के साथ हमने एक छोटा सा प्रैंक करना है, तो अभी वो करते हैं, फिर देखते हैं कि स्पीडी का क्या रिस्पांस आता है। चलो उसमें करूँगा ये कि इस मोबाइल में मैं लगाऊंगा किसी भी घोड़े का साउंड लगाऊंगा यूट्यूब से, और देखते हैं कि स्पीडी मतलब अक्सर बाहर से गुजरते हैं ना कोई भी घोड़ा है, आवाज़ आती है, आवाज़ें निकाल रही थी। मैं चाहता हूँ ये वीडियो में निकाले, लेकिन जब भी कैमरा ऑन होता है आवाज़ ही निकालती, तो मैं यहाँ से साउंड लगाऊँगा तो देखते हैं ये क्या करती है अभी। पहले मैं इसकी आवाज़ ऊँची कर लेता हूँ। और लगाते हैं इधर से, भैंस का दूध निकाल रहे हैं, इस भैंस का दूध मैं निकाल रहा हूँ। ये वो जो नई आई थी, ये गोरी है, ये जो नई आई थी, ये बच्चे खड़े हैं इनके, ये अब इंतज़ार कर रहा है अपने, जब वो दूध अपना लिमिट पूरी हो जाएगी उसकी फिर उसको छोड़ दिया जाएगा, फिर ये दूध पिएगा जाके। वो और वो उसकी मम्मी आपस में बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या, कुछ नहीं कहता भाई, मोबाइल है। इसके काम देखो, स्पीडी की हटा भी इसको, चल 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 फिश। बादल चेक करो भाई, बेचर अपना थोड़ा पड़ा बाहर आ रहा, तू उनके साथ जाके खाने के लिए शौक है। इधर आ इधर आ, ओए होए 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 होए, ये यार कोई ना जालिम इंसान बिल्ली के 3 बच्चे छोड़ गए थे बाहर फसल में छोटे छोटे, तो 2 वो लड़का ले गया और 1 मैं ले आया हूँ। तो मैंने कहा तू आ जा तुझे मैं पाल लेता हूँ। तो अब इसकी दोस्ती हो गई मेरे साथ काफ़ी, इसमें दूध से देता हूँ, ये चेक करो पीछे पीछे आ रहे हैं। अच्छा चल आजा आजा बाहर चले आजा 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 आजा। अच्छा ये बाहर वैसे अच्छा आ गया आगे, वैसे आता नहीं है बाहर, डरता है पता नहीं। तो भाई अब शुरू करते हैं कि मैंने iPhone 11 कैसे लिया है, और iPhone 11 लेने के लिए ना आपको मेरे साथ घूमना पड़ेगा बीच में ऐसे। तो भाई ये कहानी शुरू होती है आज से 4 महीने पहले, जब मैंने अपना YouTube चैनल बनाया था आज से 3 साल पुराने iPhone 6s में, और ये वही iPhone 6s है कि जिसका पैनल चेंज था, मतलब चेंज था और वो भी टूटा हुआ था, जिसका फिंगरप्रिंट भी ख़राब था, जिसका साइलेंट बटन भी ख़राब था, जिसके स्क्रूज भी नहीं थे, जिसकी बैटरी भी चेंज थी, और दूसरी बात कि ये मुझे सिर्फ 4 GB फ्री देता था, 12 GB इसके बीच में सिस्टम ने ली हुई थी, क्योंकि इसकी स्टोरेज टोटल थी 16 GB और रैम तो इसकी ख्याल से थी ही 2 GB। उसी iPhone 6s के अंदर मैंने 20 दिनों के अंदर अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए, और उसके बाद फिर एंट्री हुई iPhone 11 की। iPhone 12 मैं बहुत इजीली ले सकता था, लेकिन मैंने अपनी बाकी सारी ज़रूरियात को देखते हुए ये फैसला किया कि भाई हम लेंगे iPhone 11, और इसके अंदर क्योंकि मेरी गेमिंग और एडिटिंग और सब कुछ मुझे मिल रहा था और थोड़ी बचत भी हो रही थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई iPhone 11 ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हमें 2 हफ्ते लगे, मोबाइल सारे हमने देखे, एंड्रॉयड भी देखे और iPhones भी देखे कि कौन सा लेना चाहिए। तो फिर हमें ये फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि iPhone 11 लेना चाहिए। तो मैंने फिर iPhone 11 देखा भी कहाँ से मिल रहा है सही, जब मुझे एक नज़र में आया कि हाँ ये ठीक है ये ले लेना चाहिए। तो मैंने रात को बताया अबू को, भाई अबू मोबाइल ऐसे देखा है इतने का है और मैं सो जाऊँगा देखने, वो बोला ठीक है। सुबह हो गया जी, सुबह मैंने अबू को जाके बताया कि मैं मोबाइल देखने जा रहा हूँ, अगर मुझे सही लगा तो मैं ले लूँगा, मुझे पैसे दे दो। अब उन्होंने बोला जा मेरा कार्ड निकाल ले ATM का,
और चला जा, अगर सही लगा देख के ले और ले आई। मैंने कहा ठीक है, मैं गया हूँ जा मोबाइल ले आऊँ चुपका के, किसी को बताया नहीं लेने से पहले, जब ले लिया है उसके बाद बताया कि हाँ मैंने अब ले लिया है, अब जो मर्जी बोलना है बोलते रहो। तो ये है कि इसी तरह आया फोन रहा, और तो कोई इतनी इसमें रॉकेट साइंस है नहीं। तो भाई अगर मैं पहले बताता सबको लेने से पहले कि मैंने लेना है, तो शायद आईफोन 11 या मेरे पास अभी कोई और डिवाइस होती, हो सकता है, क्योंकि अक्सर बंदे होते हैं जो है ना काम ख़राब कर रहे थे। तो भाई यही है कि कोई भी चीज़ लेनी हो ना जो आपको पसंद है तो बस फिर ले लो, और लेने के बाद बताओ कि हाँ भाई ले लिया, आप जो मर्जी बोलते रहो, जैसे मैंने किया है। तो बस आईफोन 11 ले लिया है, मैंने लिया है, हम खुश हैं इसके साथ। तो फिर जो बोल रहे हैं बातें वो फिर बोलते नहीं, क्या कर सकते बेचारे बोलने के अलावा। तो चलो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही, और एक और बात ये कि जब से आईफोन 11 लिया है तो भाई ज़िंदगी HD हो गई है और बड़ी तेज़ हो गई है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह भाई आईफोन 11 ले लिया है, तो अब से जो है ना व्लॉग्स में क्वालिटी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी। और भाई तुम लोग मतलब बादल चेक करो, सीन चेक करो, क्या ही बनाओ काफ़ी टाइम का। तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं फिर कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।